इधर मत देखो, ईंटों की तरफ देखो, जरा मैं गिर उड़ जाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का जो काम है, क्लीनिंग वगैरह, बस वही हो रही है। तो बर्तन वगैरह मज गए हैं, साफ़ हो गए हैं, और यहाँ पे जो धुलाई वगैरह ये कर लेती हूँ। फिर मुझे लगानी है आज मशीन। वैसे भी आज बारिश भी हो रही, रात से हो रही थी, कल रात से बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, और रात बहुत ठंड भी लग रही थी। बट कपड़े तो धुलने पड़ेंगे, अगर धुल देती हूँ, देखती हूँ, अगर फैलाऊँगी तो फैला दूंगी ऐसे ही, वरना फिर बाल्टी में भर के रख दूंगी और नेक्स्ट डे फैला दूंगी जब धूप निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ सब। और पानी का काम इस समय कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऊपर भी पानी जा रहा है, तो बार बार मोटर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं पहुँच रहा है, ऊपर काम चल रहा है, तो इस वजह से। तो मुझे फटाफट काम करना है, क्योंकि इधर मैं अगर टंकी खोल लेती हूँ तो ऊपर ढंग से पानी नहीं जा पाता है, तो थोड़ी सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये देखिए, मैं फटाफट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मुझे धुलना पड़ेगा कपड़े, और हाथ से धुलूँगी तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वैसे भी आज का जो दिन भर था बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने लगा दी मशीन और कुछ कपड़े हो गए इकट्ठे, जो कि मैं धुल लेती हूँ। तो चलिए कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे नहा धो के। और काम भी काफ़ी पड़ा है, अभी मेरा खाना वगैरह भी नहीं बना है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं आज। और कपड़े धुलते रहेंगे इधर, मैं जब तक नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको पानी से फलकार लूँगी, और क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएंगे फिर, खाना वगैरह जल्दी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं जल्दी बना के रख देती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो काम की वजह से, क्योंकि टंकी नहीं, बार बार खोलना पड़ रहा है, पानी की दिक्कत हो जा रही है, ऊपर पानी जा रहा है ना इस वजह से। तो अभी ऊपर टंकी बंद है, तो फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, पोछा भी लगा देती हूँ, पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और मेरे हेयर ना भीग गए थे थोड़ा, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही है बहुत तेज़ से। तो अब मेरा काम तो सारा हो गया है, तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाना नहीं बना है। तो खाने में बनाऊँगी मैं, क्या बनाऊँ, दाल चावल बना लेती हूँ खाने में। और देखिए, मेरा सिंपल सा मेकअप है, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, और कुछ नहीं लगाती हूँ, बस क्रीम लगाती हूँ सिंपल सा, और कुछ नहीं लगाती। तो चलिए बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
अभी कुछ कपड़े पड़े थे धुले हुए, बस वही तय बना के रख रही हूँ, तो बस ये बना देती हैं। इधर खाना भी बन चुका है सारा, और बस अभी खाना खाया नहीं है क्योंकि जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। यहाँ पे कुछ चद्दर बाबू ओढ़े हुआ था, तो बस वही पड़ी हुई थी क्योंकि बाबू खेलता रहता तो सब में फैलाता रहता है कपड़े। यहाँ पे ये मेरे सूखे हुए कल के कपड़े हैं, तो वो मैंने तय नहीं बनाए थे, तो वह सभी मैं तय बना लेती हूँ उनको भी और रख दूँगी तय बना के। और कुछ कपड़े आज भी धुले वो जो मशीन में पड़े हैं अभी, लेकिन फैलाए नहीं है क्योंकि बारिश फिर से होने लगी। बार बार बारिश हो रही है, बार बार रुक जा रही है, तो इस वजह से नहीं फैलाए कपड़े। और जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो मैं फैला दूँगी कपड़े। और देखो इस बारिश में कैसे चुनाई होती है, कैसे काम होता है, मिस्त्री लोग कैसे करेंगे देखो, क्योंकि बारिश तो बार बार हो जा रही है फिर रुक जा रही है। और यहाँ पर देखिए बाबू आ गया, बाबू गेम में फ़ोन में लगा हुआ है, अपना हरपंदा खेल रहा है। और यहाँ पे सारे कपड़े रख दूँगी। मेरी बहन ने ये पायल दी थी, देखिए ये टूट गई, दोनों टूट गई, एक पहले टूट गई एक बाद में टूटी, ये देखिए दोनों पायल टूट गई। और उसने इतने प्यार से पायल दी थी मुझे और टूट गई दोनों, और मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है पतली पतली पायल पैरों में, तो मैं इसलिए ली थी। उसने पहले मुझे एक बार गिफ्ट किया था, फिर ये वाली वो अपने लिए लाई थी, तो मैंने ले ली। मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ, तो पहन रही रही है, तो फिर मैंने ले ली और मेरे पैर में भी टूट गई। पता नहीं क्यों रुकती नहीं है इस तरह की पायल, और मुझे ना इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना पतली लूँगी, मतलब आर्टिफिशियल नहीं लूँगी, मैं चांदी की लूँगी पतली पायल, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, टूटेगी भी नहीं जल्दी और ख़राब भी नहीं होगी। ये वाली बहुत जल्दी टूट जाती है, तो ज़्यादा पतली नहीं लूँगी, थोड़ी इतनी इतनी मोटी लूँगी। और मशीन चल रही है अभी, बॉयस आ रही होगी, उसकी कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट बचे हैं थोड़े से, तो चलिए खाना खा लेती हूँ और कपड़े निकाल लेती हूँ। मैं खाना ले आई हूँ, चलो खा लेते हैं। ये देखिए खाना हमारा, दाल रोटी। बेटा ये खाओगे? बाबू खाएगा चावल, चावल चलो अच्छा खिलाते हैं, चलो खा लेते हैं, ठीक है उसके बाद। तो यहाँ से ईंटें दी जा रही हैं क्योंकि जीने से ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पैर बिल्कुल बाहर आ रहे थे, तो यहाँ पे बैठ गए हैं देवर। यहाँ से फेंकते जा रही हूँ मैं, पकड़ाते जा रही हूँ, दूसरे देवर देते जा रहे हैं, मम्मी लेते जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी सी आसानी हो गई ईंटें देने में, और फटाफट आधी से ज़्यादा ईंटें चली गई थी इसी तरह से ही। और जो शुरू में लेके गए थे तो जीने से गए थे लेके, तो उसमें बहुत थकान हो गई थी। और देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, अभी हल्की हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बारिश का मौसम हो रहा था, ठंडा मौसम, तो यहाँ पे बनाई थी पकौड़ी, चाय और प्याज की पकौड़ी। खाने का वैसे ही बहुत मन हो रहा था, तो बस यहाँ पे मैंने प्याज की पकौड़ी बना ली है, और यहाँ पे चाय भी बनाई है। देखिए करा दी करा, आलू भी डाला मैंने, एक आलू डाला है, प्याज आलू दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाई है देखिए, और काफ़ी अच्छी करारी करारी लग रही थी। और ये देखो चाय है, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती पकौड़ियाँ, तो बस चाय के साथ यहाँ पे बेटी ले जा रही है छोटी बड़ी वाली चाय और पकौड़ी, और बाकी लोग यहाँ पे चाय टाइम हो गया सबका। चाय तुम लोग का चाय टाइम नहीं हुआ? चाय तो पकड़ो हाथ में, चाय टाइम हो गया सबका, चाय पी लो भाई। इधर मत देखो, ईंटों की तरफ देखो, जरा मैं गिर उड़ जाए। यहाँ पे देखिए पड़ रही है मिट्टी, मंदिर है इधर, मंदिर की तरफ पड़ रही है मिट्टी, तो ये पटान होने को रह गया था, तो बस यहाँ पे हो रहा है पटान। देखिए पीपल का पेड़ है ये, और यहाँ पे ये लोग अपना चाय वगैरह पी रहे हैं बैठ के। तो चलिए ऊपर दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ऊपर कितनी ईंटें इकट्ठी हो गई और दीवार वगैरह ये इतनी हो गई। अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी अच्छे से, देखिए। वो उधर होगी ईंटों के नीचे होगी कन्नू, वो वहाँ पे है देखो।
नहीं मुझे पता ही नहीं कन्नी कैसी होती है, कन्नी कैसी होती पता ही नहीं मुझे पता है वो। गाइस ईंटें फेंकने के चक्कर में देखिए मेरे हाथ में बरैया ने काट लिया, और पता है ये सूज भी जाएगा, बहुत फूल जाता है बरैया काट लेती बहुत जल्दी सूज जाता है। तो अभी घर बनना स्टार्ट हो गया ना, ऊपर बाउंड्री वगैरह हो रही, बच्चों का डर रहता है ना, तो इसलिए पापा बाउंड्री करवा रहे हैं। तो ईंटें वगैरह ऊपर जाना था छत पे, तो हम लोग ने भी थोड़ा फेंकवाया, हेल्प कराई। तो देखिए दिख रहा होगा शायद डंक है यहाँ पर, अभी सूजा नहीं है लेकिन रात भर देखो सूज जाता है, तो सूज सकता है। और मैंने देखिए इयररिंग निकाल दी, छोटे छोटे टॉप्स पहन लिए, देखिए बहुत कान दर्द करने लगा था मेरा, तो छोटे छोटे पहन लिए वो निकाल दिया। और ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आज का, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को मेरे सबसे ज़्यादा शेयर करा करिए। और मुझे सर मतलब मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ मेरे पास ना रिक्वेस्ट बहुत आती हैं, तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, अगर किसी की भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं ब्लॉग में ही ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा येलो डॉलर आ जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं ब्लॉग में ही ऐड करूँगी और मैं अलग से नहीं बनाऊँगी, ठीक है। अगर आप लोग ब्लॉग में देखना चाहें तो प्लीज़ ब्लॉग में देखा करिए, और मैं अलग से नहीं कोई वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग में ऐड करूँगी, उससे मेरा येलो डॉलर की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी कई एक वीडियो में येलो डॉलर आ गया है, तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से मैं अलग से नहीं बनाऊँगी, ठीक है, ब्लॉग में ऐड करूँगी। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।